नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने 2 लोगों को किया काबू, 6 पिस्तौल 17 जिंदा कारतूस किए बरामद। जंडियाला गुरु में 3 ठगों ने कपड़ा व्यापारी को बनाया निशाना, 22,000 रुपए की ठगी कर हुए फरार। अमृतसर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने, पुलिस ने 1 आरोपी को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत 2 लोगों को 6 पिस्तौल 17 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। फिरोजपुर के ASP सौम्या मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये दोषी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे और इन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर की जेडी पुलिस हैगी, वो स्ट्रीट क्राइम्स नु बहुत सीरियसली ले रही है ते जेडे स्ट्रीट क्राइम करने वाले दोषी है उन्होंने दे खिलाफ असी हर तरह की सख्त कार्रवाई कर रहे ने। इसी मुहिम नु आगे बढ़ाते हुए जेडे बेल्ड आउट क्रिमिनल्स है उन पे भी असी नजर रख रहे ने ते उन्हां दी भी चेकिंग रेगुलरली कर रहे ने। सानू कुछ दिन पहले एक खबर मिली सी कि एक दोषी जिहड़ा 20 दिन पहले जेल तो बाहर आया सी वो कुछ इलीगल काम करने की तैयारी कर रहा सीगा ते ओने वेपन भी हासिल किते हैं स्टेट तो बाहर दे। इसी नू आगे बढ़ाते हुए सिनपुट पे वर्क करते हुए साडी CIA दी टीम नू वड्डी सफलता मिली है। इन्होंने 2 दोषी गिरफ्तार किते ने ते नाल नाल टोटल 6 वेपन ते 17 राउंड भी रिकवर किते हैं। मुहिम जारी करी हुई है ओदे विच असी बेल्ड आउट क्रिमिनल्स माने जोड़े जेडे बंदे जेल तो बाहर आ गए ने उन्हां दी चेकिंग यकीनी बना रहे ने ते ऑलरेडी जेल तो बाहर सीगा। उस तो बाद इन्हां दे इनपुट पे काम करते हुए असी फाइनली इन्हूं गिरफ्तार कर पाए ने। इस बंदे का नाम मोहित गिल है ते टोटल 8 मुकदमे इस पे दर्ज हैं जिस पे 4 मुकदमे अटेम्प्ट टू मर्डर दे हैगे ते बाकी भी असले एक्ट के मुकदमे ने। मैम जेड़ा 20 दिन पहले जेल तो बाहर आया है 20 दिन दे विच विच उन्हें जेड़ा गैंग दा पूरा खड़ा करके 6 वेपन तुसी इंदे कोल फड़े ने जां मतलब कि इंदे इंदे मतलब जेल दे विच जेड़े कोई गैंगस्टर बैठे उन्हां नाल भी लिंक बने ने जेड़े इन्हें बाहर आंदे नाल ही जेड़े इन्ने वेपन प्रोवाइड करवाते गए या कोई वड्डी वारदात करन दी फराक सी। जेड़ी मुदली तफ्तीश पता चला ए सारे वेपन ए MP से लेके आए ने ते उस इनपुट पे भी साडे फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी पुलिस पूरा काम कर रही ने। हुण इस दे नाल जिहड़ा इसदा एसोसिएट था उसनों भी असी गिरफ्तार कर ले गए ने। इस तो अलावा जिहड़े बाकी लिंकेजेस ने उस पे असी वर्कआउट कर रहे ने। जंडियाला गुरु शहर में ठगों के हौसले बुलंद है। ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रघुनाथ मार्केट जंडियाला गुरु में रतन गारमेंट्स शोरूम के मालिक राजीव कुमार के साथ हुआ, जिनसे 3 ठगों ने 22,000 रुपए ठग लिए। वहीं ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंधी शोरूम के मालिक राजीव कुमार ने हलचल की टीम को बताया कि बीती रात 3 ठग पैदल आए और अच्छे ब्रांड के कपड़े दिखाने को कहा, जिसका बिल 24,000 रुपए हो गया। जिसके बाद ठग युवकों ने कहा कि वो सिर्फ 22,000 रुपए देंगे और मोबीक्विक ऐप के जरिए 3 बार रुपयों का भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति को कर दिया और मौके से रफू चक्कर हो गए। लेकिन उनके द्वारा भेजी गई रकम शोरूम मालिक राजीव कुमार के खाते में सुबह तक नहीं आई। आगे उन्होंने बताया कि सुबह फोन पर सिर्फ पेमेंट के मैसेज दिख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बैंक से संपर्क किया और पता चला कि उनके अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं आई। तो वही जब मोबीक्विक ऐप कस्टमर केयर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि भुगतान के तुरंत बाद उनके द्वारा सारे पैसे रिफंड कर दिए गए हैं। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। शोरूम मालिक राजीव कुमार ने पुलिस से साइबर क्राइम की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि इसी तरह एक अन्य निवासी से 4800 रुपए की ठगी की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ठगों को पकड़ा जाए ताकि कोई और उनका शिकार ना बन सके। वहीं मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरी रतन गारमेंट्स के नाम से दुकान रेडीमेड मेंस वेयर की। सर 5 तरीक नू रात नू साडे कोल 3 लड़के आए आ जी, उहना मतलब ई टच च जिवें बठिंडे साइड दे ही आए आ, कहिंदे जी कपड़े वेखणे आ, तुहाडे कोल ऐप मोबीक्विक चलदा वा। असीं उहनां नूं कहिंदे जी ऐप साडे कोल चलदा मोबीक्विक,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਸਕੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24,700 ਦੇ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 22,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ 9,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ 7,000 ਦੀ ਇੱਕ 5,500 ਦੀ ਉਹ ਟੋਟਲ 22,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬੋਕਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਪ ਬੈਂਕ ਐਪ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਐਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 13-14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10-12 ਵਾਰੀ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ अमृतसर में पिछले काफी समय से विभिन्न गांव के भोले भाले लोगों के साथ महावीर नाम के एक युवक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बाहर भेजने या अस्पताल खोलने के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही थी। उक्त लोग पिछले कुछ समय से अमृतसर से भागकर आनंदपुर साहिब इलाके में रह रहे थे और देर रात अमृतसर के लॉरेंस रोड इलाके में कार में घूम रहे थे। जब पीड़ित परिवार ने अपने पैसे मांगे तो महावीर और उसके साथी ने पिस्तौल निकाल ली और गोली मारने की धमकी दी। इसको लेकर मारपीट भी हुई जिसके बाद पीड़ित ने उक्त व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महावीर सिंह को पकड़कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं जब पुलिस द्वारा महावीर सिंह को गिरफ्तार करने की सूचना धोखाधड़ी के शिकार अन्य पीड़ित परिवारों को मिली तो सभी परिवार सिविल लाइन थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि महावीर और उसके 8 से 10 अन्य साथियों ने एक गिरोह बनाया है जिसके माध्यम से वे नीला बना पहनकर भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे लोगों को उनके बच्चों को विदेश भेजने या चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने के नाम पर ठगते हैं और लोग उनके झांसे में आकर उन्हें पैसे दे देते हैं। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनका पैसा उन्हें लौटा दिया जाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधिकारी दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस ने देर रात इस युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर बनती जांच शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि लोगों से मिली शिकायत के आधार पर अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो FIR दर्ज की गई है उन पुलिस स्टेशनों को भी सूचित किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम जी मनदीप सिंह है ते इत्थे अमृतसर दे रहण वाले हां ते इन्हां दा 2-3 साल तो मेरे नाल ना अपना कोई पैसे दा डिस्प्यूट चलदा पिया सी मेरा लेन देन सी कोई ते अपना महावीर सिंह ते हरसिमरनजीत सिंह नाल ते मैं कल लॉरेंस रोड ते अपना रात नूं अपना लंघन दिया हां ते उत्थे अपना इह गड्डी दे विच बैठे नजर आ गए ते मैं इन्हां नाल गल कीती वी मेरा लेन देन तुहाडे नाल लगा वा ते तुसीं नजर वी नहीं आंदे पए ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੱਟ ਮਾਰਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਝਾ ਲਾਇਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੀ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਤੀ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 216 ਨੰਬਰ। ਸਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਰੇ ਅਜੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय अजनाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रिबन काटकर इस शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि खूनदान महादान होता है और हम सबको चाहिए कि खूनदान जरूर करें ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। इस मौके पर उन्होंने रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए कैमरामैन सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज HDFC बैंक का अजनाला जो कि एक मुहिम चल रही है ना दी खूनदान दी 1 अक्टूबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे जड़ा होंगे उस दिन तो लैके 6 दिसंबर तक एक खूनदान दी एक मुहिम चला रहे ने स्वैच्छ खूनदान दी। उहदे विच अज HDFC बैंक अजनाला वालों आप आम आदमी पार्टी दे अजनाला विखे दफ्तर विखे एक खूनदान कैंप लगाया गया है जिस विच एक भरपूर सहयोग मिल रहा है सानू आम आदमी पार्टी वालों। ਹਾਂਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸਕੈਮਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਬਿਟੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ। ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲੱਡ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। सती माता श्री वृंदा देवी मंदिर में चल रहे ऐतिहासिक तुलसी एवं आंवला पूजन महोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी और आंवला के पौधे के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और मां वृंदा के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया
और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने मां वृंदा और भगवान शालिग्राम की महिमा का गुणगान करते हुए भजन कीर्तन प्रस्तुत किया। महोत्सव में मंदिर प्रबंधन कमेटी के ट्रस्टी शीतल विज, तावंद्र साधा टीनू, अजय सिक्का, अश्विनी खोसला पप्पू प्रधान, बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सौंधी, महासचिव राजेंद्र राजा, राकेश गर्ग, सुरेंद्र विज, प्रशिक्षित वधवा मिला थापर, महेश कालिया, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष ललित कोहली, ट्रस्टी वरिष्ठ उप प्रधान गुलशन शर्मा, जीवन शर्मा, ललित मित्तल, शिव कुमार सहदेव, एडवोकेट मनिंदर सचदेवा, मृदुल सौंधी, प्रिंस सौंधी भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान सभी सदस्यों ने मंदिर के विकास और पूजा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब चैप्टर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सर्जिकल कॉन्फ्रेंस पंच सर्जिकोन का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अध्यक्ष डॉक्टर एचएस नागपाल, डॉक्टर पीएस बख्शी, डॉक्टर चंजीव सिंह, डॉक्टर रविंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर नवप्रीत, डॉक्टर बीएस जोहल ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर एचएस नागपाल और डॉक्टर नवप्रीत सिंह ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में सर्जिकल के संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्जिकल में आई नवीनतम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 60 से अधिक वक्ताओं ने सर्जरी से संबंधित 60 विषयों पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस का विषय भविष्य की नींव रहा। इसमें सर्जरी की मूल बातों के अलावा आने वाले सर्जन को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा पीजी छात्रों द्वारा पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन दिया गया, तो वही छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी सत्र में उम्दा उत्तर देने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। डॉक्टर एच एस नागपाल,
I'm the president of the Surgeon Society of India, Punjab chapter. We are my colleagues, my office bearer name, Dr. Ravinder Malhotra, Dr. Navpreet Singh. ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜ ਸਰਜੀਕੋਨ 2022 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਐਂਡ ਫਕਲਟੀ ਆਈ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੁਲਕ ਇਸ ਫੋਰ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਸਾਡਾ ਈਵੈਂਟ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ 8, 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਰੀਅਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਪੀ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ मैं डॉक्टर नवप्रीत नवप्रीत हॉस्पिटल तो हाँ और जी कॉन्फ्रेंस हो रही है ये पंजाब चैप्टर है एक एसोसीएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का पी एस आई दे कई चैप्टर्स ने उन्होंने नॉर्थ का एक है पंजाब चैप्टर है जिसे डॉक्टर नागपाल एच एस नागपाल हरतेज हॉस्पिटल तो प्रेजिडेंट ने और ये हर साल कोई ना कोई वेन्यू के उत्ते कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਜਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ श्री देवी तालाब मंदिर द्वारा संचालित गौशाला में गोपाल अष्टमी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें भक्तजनों ने पूरे विधि विधान के साथ आहुतियां अर्पित की। हवन यज्ञ में मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाल धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया। हवन यज्ञ के पश्चात मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष रूप से गो पूजन और दान किया। इस दौरान गो माता की पूजा कर उन्होंने समाज के प्रति अपनी सेवा भावना और गो संरक्षण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस पवित्र कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित लोग सुरेंद्र अग्रवाल, भूषण कोहली, प्रदीप विज, सुरेंद्र विज, अमित कपूर, राजीव शर्मा और सतपाल सत्ती ने गो माता की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गो पूजन के महत्व पर जोर देते हुए गो सेवा के प्रति अपने संकल्प को और दृढ़ किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय माता जी, जय गौ माता जी। अज गोपाष्टमी ते सारे शहर वासियों नूं लख लख वधाई होवे। इह जिहड़ा साडा त्यौहार है बड़ा उच्च त्यौहार है जिन्ने साडे देवी देवता दे रूप है वह गौ माता दे विच वसदे है। सो सवेर दी गौ पूजा चल रही है,
सारे अपने परिवारों नाल लैके गौ माता का पूजन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों सवेरे हवन रखा गया सी, उसकी पूर्ण होती पाई गई है। और सारे अपना सब ने मिलकर पूर्ण होती पाई है। मैं देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों के जोड़े भी इतने हवन च आए हैं और गौ माता की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने धन्यवाद करना। गौ माता की पूजा के उत्ते कोई पूजा नहीं, सो मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, देवी तलाब मंदिर प्रबंधक के प्रधान शीतल बीर जी वालों, सब श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता। जोड़े नहीं भी आए उन्होंने भी रिक्वेस्ट करता, इस त्यौहार से जरूर गौशाला जाके मत्था टेको। जय माता दी, जय गौ माता दी। गौशाला पिंजरा पोल टांडा रोड में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौ पूजन एवं गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम करवाए गए हवन यज्ञ में गौ भक्तों ने मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां डालकर विश्व मंगल की कामना की, जिसके बाद गौ भक्तों ने गौ माता को तिलक लगाकर और आरती कर उनकी पूजा की। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर गौ माता को तिलक लगाकर और आरती कर विधिवत ढंग से पूजन किया। भक्तों ने गौ माता को विभिन्न पकवानों के भोग लगाकर पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। इस संबंधी जानकारी देते हुए गौशाला प्रबंधक कमेटी टांडा रोड के चेयरमैन सुदर्शन शर्मा, प्रधान रविंदर कुमार कक्कड़, उप प्रधान राजकुमार, मैनेजर पंडित रवि प्रकाश, असिस्टेंट मैनेजर एडवोकेट संदीप थापर ने बताया कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गाय माता उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम ना मना रहे हैं। सारे लोगों का गौ माता नाल सहयोग है। गौ माता की सेवा जी है सब तो बड़ी सेवा है और सानू सारे लोगों को गौ माता का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए है। करा गौ माता जी का गोपाष्टमी के त्यौहार के उत्ते सारे लोगों दानिया के सहयोग के गौ माता आ दान कर और आशीर्वाद प्राप्त कर। गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का आवास होते हुए ये बहुत बड़ा पर्व है। जसराज कृष्ण जी महाराज ने गौ माता को चलाना शुरू किया। बोलो गौ माता की जय। बोलो जय माता दी, जय गौ माता दी। अज शहर वासियों को गौ अष्टमी की लख लख बधाई होने। गौशाला पिंजरा पौन सारे सदस्य और सारे सेवादार इकट्ठे हो गए, अब हवन किया गया। बहुत अच्छा लगा, सारा वातावरण गौ माता की जय कर रहा है और बड़े अच्छे अच्छे परिवार में सारा जलंधर ही इतने गौं की सेवा कर रहे हैं। तो सारे रल मिल के इन्हें ही अंदर त्यौहार मनाइए। गौ माता की सेवा बड़ी उत्तम है क्योंकि ये साढ़े जिन्हें देवी देवता सारे इतने बसते हैं। कक्कड़ साहब का आदमी पंडित जी का थापर साहब का साडा बेटा सोलू का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी इन्हें गौ माता की सेवा कर रही है। माता रानी सब जगह गौ पूजन गौ अष्टमी बहुत धूमधाम नाल मनाई जा रही है। सवेर तो ही गौ भक्त आके गौ पूजन कर रहे हैं। हवन हो रहा वा, सवेरे ही संकीर्तन शुरू हो गया सवेरे 4 बजे। बहुत ही श्रद्धा विश्वास न गौ भक्त आके गौ पूजन कर रहे हैं। सारे लोग आओ आके गौ पूजा करो और गौ माता आशीर्वाद। माँ अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद में कार्तिक मास का आंवला पूजन महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है।
इस अवसर पर मंदिर में हवन यज्ञ करके मेले का शुभारंभ किया गया। हवन में निष्ठा गौतम और अंचित्य गौतम मुख्य यजमान बने। हवन के पश्चात हनुमंत ध्वज स्थापित किया गया। महोत्सव में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि ये महोत्सव उनके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस पावन अवसर पर भक्तों ने तुलसी और आंवला के पौधे के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन कमेटी सदस्यों ने महोत्सव संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि ये महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। महोत्सव के दौरान 12 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा और 15 नवंबर को दीपदान के पश्चात मेला संपन्न होगा। इस अवसर पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली और श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की महिला संकीर्तन मंडली ने कीर्तन कर प्रभु महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति, प्रवीण महाजन, विपिन उपल, राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश ज्योति, राकेश बाहरी, नरेंद्र पुरी, राजेश नोना, राजेंद्र ज्योति, अश्विनी हांडा, लकी कपिला, हितेंद्र कपूर, गोपाल कृष्ण सोनी, राकेश वैद, प्रवीण ज्योति, कांता प्राशर, शिवाली बाहरी और महिला संकीर्तन मंडल की सदस्याएं उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मखण ना दिता हो मेरा खिंच के परांदा लै गया, हो मेरा फुट के परांदा लै गया। जय मां अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद जलंधर विच आंवला पूजन का मेला शुरू हो चुका है। ये मेला 15 नवंबर तक चलेगा। अज गोपाष्टमी के मौके पर गौ माता की पूजा की गई। गोपाष्टमी त्यौहार श्री कृष्ण जी के गौ उच्चारण के मौके पर मनाया जाता है। अज के दिन कृष्ण जी ने गौ उच्चारण सेवा शुरू की। 12 तरीक को मंदिर के तुलसी विवाह होगा। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में 10 तरीक को अन्नपूर्णा मंदिर तो विकासपुरी श्री अनिल शर्मा और कंचन शर्मा जी के घर असी ठाकुर जी को शगुन लगा जावांगे और 11 तरीक को मंदिर तो जागो कढ़ी जाएगी। 12 को विकासपुरी तो अनिल जी और कंचन जी ठाकुर जी भी बरात लैके आएंगे और मंदिर दे विच मंदिर कमेटी के नाल वधू पक्ष वालों श्री बजाज जी और उन्होंने श्रीमती दुर्गा इनकलेव तो सोडल रोड तो बरात का स्वागत करेंगे। ये मेला 15 तरीक को दीपदान तो बाद समाप्त हो जाएगा। इन्हों दिनों दे विच दान का पुन का तप का जप का बड़ा महत्व है। कल आंवला नौमी है। आंवला नौमी नू अक्षय नौमी भी कहते हैं। अक्षय नौमी इस करके कहते हैं कि उस दिन द्वापर युग शुरू होया।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਤਿਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸ਼ੈ ਨੌਮੀ ਹੈ ਆਂਵਲਾ ਨੌਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੈ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮਾਤਾ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ ਪੂਜਨ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੋਪ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਂਵਲਾ ਪੂਜਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਾਤਾ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਂਵਲਾ ਪੂਜਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਰ ਕੋਟ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੈ ਮਾਂ ਜੀ ਓਮ ਗੰਗਨ ਪਾਤਾਏ ਨਾਮੈ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਕੀ ਜੈ ਅੰਨਪੂਰਨੇ ਸਦਾ ਪੂਰਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਬੱਲਭੇ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗਿ ਸਿਧਰਥਮ ਭਿਕਸ਼ਾਮ ਵੇਹਿ ਚ ਪਾਰਵਤ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਪ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜੈ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ छठ पूजा समिति मछली मार्केट बस्ती बावा खेल जालंधर की ओर से छठी माता का पर्व बड़ी ही धूमधाम से बस्ती बावा खेल नहर पुल पर मनाया गया। इस मौके पर सभी भक्तों ने विधिवत ढंग से छठी माता की पूजा अर्चना कर और भगवान सूर्य की उपासना कर इस पर्व को मनाया और एक दूसरे को इस दिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रेम कुमार, शंकर महतो, जोगिंदर पंजियार, मनोज कुमार, विजय राम, आजाद अंसारी, रितेश, मदन लाल, अशोक, राजकिशोर, दीपक, सुभाष सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। की ओर से पूरे जालंधर वासियों को शुभकामनाएं मिलता है छठी मैया के आशीर्वाद से और अभिनंदन करते हैं पूरे जालंधर वासियों के हमारे मेंबर सहित वाले मोहन जी अपने सुझाव दे रहे हैं जिन्होंने खबर पढ़ के चढ़ा के लाए के वधिया बना के लाई ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुरा मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुरा मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया जिसके पश्चात अमन बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। त्रिभुवन की माता तुमको आराधे विष्णु विधाता घट घट में माते रब से राम।
जो भगवती की साज है, मां शैनों से बहुत प्रसन्न होती। आप अपनी ताली से शैने बजाइए, एक बार उठाइए दोनों। आह क्या बात, माता रानी कृपा करे। ये जो बजाने वाले हमारे भाई साहब हैं, ये बहुत अच्छा बजाते हैं। माता रानी की लंबी लंबी आयु करे। और मेरे साथ मिलके कहेंगे सभी, जय जय मां। चल उठ के माखेरा वंड दिए, आस लगाइए उना नू लगाओ चरनी, आस लगाइए उना नू लगाओ चरनी, आस लगाइए। कहमे मगी उगवाया तेरे दरे उठे, जदू मेरे सिर तो पानी आए। मां बैठी भवन पे मैनू राती नींद ना आवे, तेरा विछोड़ा दातिए हुन मैं तो सिरा न जाए। आप बैठी भवन पे मैनू राती नींद ना आवे। कई चिट्ठियां बताइया ने बताइया ने तेनू, कई चिट्ठियां मैं लिखिया ने मैं लिखिया ने, बातां विच मिठियां मैं लिखिया ने मैं लिखिया ने। मैनू राती नींद ना आया, मैनू राती नींद ना आया। Get down!
अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर पुलिस ने 2 लोगों को किया काबू, 6 पिस्तौल 17 जिंदा कारतूस किए बरामद। जंडियाला गुरु में 3 ठगों ने कपड़ा व्यापारी को बनाया निशाना, 22,000 रुपए की ठगी कर हुए फरार। अमृतसर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने, पुलिस ने 1 आरोपी को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।